everyone, welcome to my channel Pretty Girl. I hope you all are doing great. Today I'm going to share with you how to reduce hair fall at home. So guys, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देखें. सो हेयर फॉल को कम करने के लिए हम एक ऑयल प्रिपेयर करेंगे जो आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और थिक होने में हेल्प करेगा. हेयर्स के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है. कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. नारियल तेल बालों में लगाने से बालों की ग्रोथ इंक्रीज होती है और झड़ने से रोकता है और बालों को घना भी बनाता है. नारियल तेल डैंड्रफ को कम करने में भी हेल्प करता है. नाउ हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हम सेकेंड इन्ग्रीडियंट कैस्टर ऑयल लेंगे. कैस्टर ऑयल भी बालों की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है. कैस्टर ऑयल में रेटिनोलिक एसिड पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे बालों का झड़ना कम होता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व से बाल मजबूत होते हैं और यह ऑयल बालों को दो मुँह होने से भी रोकता है. कैस्टर ऑयल स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और यदि शैम्पू या हेयर ट्रीटमेंट से स्कैल्प में किसी प्रकार की खुजली या जलन जैसी प्रॉब्लम होती है तो कैस्टर ऑयल इसे भी ठीक करता है और इसमें मौजूद प्रोटीन बालों को हेल्दी रखता है. नाउ थर्ड इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल. टी ट्री ऑयल बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है. इस ऑयल को अच्छे से स्कैल्प में लगाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से काम करता है. इस ऑयल में एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. और जब स्कैल्प साफ रहेगा तो बाल हेल्दी, लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल. विटामिन ई बालों के लिए बेनिफिशियल है. इसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं और ये बालों को एंटीऑक्सीडेंट देता है और स्ट्रेस से होने वाले विषैले पदार्थों का असर कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है जिससे बाल सेहतमंद होते हैं और बालों को लंबे करने में हेल्प करता है. विटामिन ई के ऑयल को हेयर ऑयल में मिक्स करके स्कैल्प में अच्छे से लगाने से स्कैल्प टाइट होता है जिससे बालों के टूटने में रुकावट आती है. विटामिन ई ऑयल से बालों की कंडीशनिंग होती है जिससे हेयर्स स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी होते हैं. अब इन चारों ऑयल को मिक्स करेंगे जिसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1/2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल एंड 1 विटामिन ई कैप्सूल लेंगे. कैप्सूल में से ऑयल निकाल लेंगे. आप अपने हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ऑयल मिक्स करें और अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप 1 मंथ तक रखें, बट बेस्ट रहेगा कि आप जब हेयर ऑयलिंग कर रहे हों तब ऑयल प्रिपेयर करें. ऑयल प्रिपेयर करके इसे अच्छे से स्कैल्प पर लगाकर 15 मिनट तक मसाज करें. स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है जिससे हेयर ग्रोथ होती है एंड हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो गाइज, ये हमने बात की ऑयलिंग की, बट हमें कुछ ऐसे टिप्स भी फॉलो करने चाहिए जिससे हेयर डैमेज ना हो. सो फर्स्ट स्टेप है, हमें ऑयल लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेना चाहिए. सेकेंड टिप है, हमें ऐसे कॉम्ब का यूज़ करना चाहिए जिसमें गैप हो, यानी कॉम्ब के टूथ में गैप हो. थर्ड, हमें कॉम्ब डायरेक्ट स्कैल्प से नहीं करना चाहिए, पहले नीचे के बालों को सुलझा लेना चाहिए देन ऊपर के बालों को कॉम्ब करना चाहिए, इससे बाल कम टूटते हैं. फोर्थ, सोते वक्त बालों को टाई करके सोना चाहिए, खुले बाल करके ना सोएं. फिफ्थ, 1 वीक में 2 टाइम्स ऑयल ज़रूर करें. सिक्स्थ, शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर करना चाहिए. इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, इससे हेयर फॉल रिड्यूस होने में आपकी हेल्प होगी एंड हेयर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी होंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस यूजफुल रेमेडी एंड कमेंट बिलो. बाय गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.